नमस्कार दोस्तों, आरंभ सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में, प्रदेशों के बारे में, जलवायु के बारे में, मिट्टी के बारे में, ठीक है, उद्योगों के बारे में और फसलों के बारे में। कल की जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने शुरुआत की थी, नया टॉपिक था मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। आज हम शुरू करते हैं नदियों वाले टॉपिक को, आगे विस्तारित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने पढ़ा था दो नदियों के बारे में, एक थी चंबल नदी और दूसरी नदी थी बेतवा नदी। आज हम नई नदी पे शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्लास की, ठीक है। अगर मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही हो, वीडियो साफ दिखाई दे रहा हो, तो चैट बॉक्स में जाकर यस जरूर लिख दे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, मध्य प्रदेश में नदियों के बारे में, और दो नदियां हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी हमने पढ़ा था? बेतवा के बारे में और चंबल के बारे में। जो शुरुआत हमने की थी, हमने एक फॉर्मेट बनाया था कि नदियों के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमने देखा था नदियों के बारे में पढ़ेंगे उसकी दिशा के बारे में, उसका उद्गम स्थल के बारे में, उसका समापन कहाँ होता है, उस पर कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा परियोजनाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, वो कौन कौन सी हैं, कितने राज्यों से ये नदियाँ प्रभावित होती हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। हम पहली नदी, वह नदी आती है हमारी आज की महत्वपूर्ण तीसरी नदी है, ठीक, वह है टोंस नदी। क्या नाम है इसका? टोंस नदी, ठीक है। तो नदी का नाम है टोंस नदी, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं तमसा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तमसा नदी भी कहते हैं, टोंस नदी या फिर तमसा नदी। अब क्या क्या जानते हैं इसके बारे में देखिए, ठीक है। पहली बार जानकारी तो ये मालूम होना चाहिए कि इसका उद्गम कहां से होता है, ठीक है। इसका जो उद्गम होता है वो होता है सतना जिले से। कौन से जिले से होता है? सतना डिस्ट्रिक्ट से होता है। सतना जिले से इसका उद्गम होता है टोंस का। और टोंस जा कहां रही है, ठीक है, ठीक है, टोंस जाती है, ठीक है, आपके यमुना नदी में। यमुना नदी में जाकर टोंस मिल जाती है, याद रखिए, सतना के बारे से मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए सहायक नदियां कौन सी हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो इसकी सहायक नदियों में आती है एक महत्वपूर्ण नदी, ठीक है, टोंस की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, वो है बीहड़ नदी। क्या नाम है? बीहड़ नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? बीहड़। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मालूम पड़ी बीहड़ नदी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नदी है, वो है महान नदी। क्या नाम है? महान नदी, ठीक। एक और महत्वपूर्ण नदी आती है, वो है सेलर नदी। कौन सी नदी है? सेलर नदी। ये तीन महत्वपूर्ण नदियां जो सहायक नदियां हैं किसकी, वो है टोंस या तमसा नदी कहते हैं, टोंस नदी की। अब बीहड़ नदी में भी कई सारी सहायक नदियां आके मिलती हैं, इसलिए और क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, ठीक है। देखिए कौन से, एक नदी आके मिलती है बीहड़ में, उसका नाम है बिछिया नदी। क्या नाम है? बिछिया नदी, ठीक है, बिछिया नदी, ठीक। नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब देखिए क्या नाम है इसका? इसका नाम है बिछिया नदी। बिछिया नदी, ये किसकी सहायक नदी है? ये बीहड़ की सहायक नदी है। और बीहड़ किसकी सहायक नदी है? टोंस या तमसा की सहायक नदी है। फिर आती है, देखिए, एक आती है महान नदी, महान नदी जाके मिल रही है। फिर आती है सेलन नदी, और सेलन नदी में ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसका महत्वपूर्ण नाम है, उसका नाम है बेलन नदी। क्या नाम है? बेलन नदी। अब ये बेलन नदी कहां से आती है? ये आती है सोनभद्र, और सोनभद्र कहां पर है? सोनभद्र है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो सोनभद्र से आकर बेलन नदी सेलर नदी में आकर मिल जाती है। तो सेलर है, महान है, बिछिया, बीहड़, बेलन, ये सब किसकी सहायक नदियां कहलाएंगी? ये सभी टोंस अफवाह तंत्र का ही भाग है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई क्लियर? कोई समस्या? देखिए इसके अलावा और क्या जानकारी आती है एग्जाम में जो पूछी जा सकती है, ठीक है, उसको समझते हैं हम। महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाती है कि बिछिया नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है।
एक महत्वपूर्ण जगह है, उसका नाम है रीवा। हमने पढ़ा भी था रीवा, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार पढ़ा था हमने रीवा। तो रीवा कौन सी नदी किनारे बसा है? रीवा बसा है बिछिया नदी के किनारे, ठीक है। तो एक और जानकारी मालूम पड़ी, बिछिया किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाती है, ठीक है, वो उसके बारे में, विषय, महत्वपूर्ण विषय के बारे में, वो है आपका यहाँ पर कौन सा वाटरफॉल आता है, जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आता है बीहड़ नदी पर जलप्रपात है, उसका नाम है चचाई जलप्रपात। क्या नाम है? चचाई जलप्रपात। तो चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर आ गया? चचाई जलप्रपात है आपके बीहड़ नदी पर, ठीक है। चूलिया मत कर दीजिएगा, चूलिया जलप्रपात कहाँ पे था? वो है आपके कोटा राजस्थान में चंबल नदी पर। ये है चचाई जलप्रपात, जो कौन सी नदी पर है? ये है बीहड़ नदी पर। महान नदी की बात करें, महान नदी पर भी एक वाटरफॉल है, एक जलप्रपात है, उसका नाम है केवटी जलप्रपात, ठीक है, केवटी जलप्रपात, केवटी वाटरफॉल। तो एक और जानकारी मालूम पड़ी हमें, केवटी की जल कौन सी नदी पर है? महान नदी पर है। फिर आता है सेलन नदी पर, ठीक है, सेलन नदी पर आता है बहुटी जलप्रपात। क्या नाम है? बहुटी जलप्रपात। और ये एमपी का सबसे, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा, 100, ठीक है, 98 मीटर, ठीक, 198 मीटर। ये कहां पर है? बहुटी जलप्रपात, ठीक। तो बहुटी जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर है? सेलन नदी पर है। और ये तीनों ही तीनों जलप्रपात कहां पर आते हैं? ये आते हैं रीवा डिस्ट्रिक्ट में, रीवा में आते हैं। तो बहुटी जलप्रपात भी रीवा में है, केवटी भी और चचाई भी। क्लियर है यहां तक? ये तीनों ही जलप्रपात महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, बहुटी जलप्रपात, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। यहां से हमारे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो टोंस नदी के बारे में देखा हमने कि टोंस नदी कहाँ से निकलती है? सतना जिले से निकलती है, ठीक है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बीड़ है, बिछिया है, महान है, सेलर है, बेलन है, ये सब की सहायक नदियाँ काउंट की जाती हैं। इसके महत्वपूर्ण अलावा, इसके अलावा कौन कौन से वाटरफॉल हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं, ये भी हमने इस नदी पर देखा। क्लियर है यहाँ तक? ये महत्वपूर्ण जानकारी मालूम होना चाहिए किसके बारे में? टोंस या तमसा नदी के बारे में, जहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तमसा नदी पर जो अधिकांश प्रश्न बनते हैं वो उसकी सहायक नदियों और जलप्रपातों से संबंधित प्रश्न पर पूछे जाते हैं। चलिए अगली नदी की बात हम करें। अब आती है हमारी एक महत्वपूर्ण नदी, वो है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी, ठीक है। देखिए सोन नदी के बारे में क्या क्या जानते हैं। ठीक है, ये तो हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में कि सोन नदी कहाँ बहती है? सोन नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। अब देखिए सोन नदी जो है वो, इसका प्रवाह कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक कहाँ पर है? ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम होता है, अनूपपुर जिले से, ठीक है, अमरकंटक के, अनूपपुर के अमरकंटक से, यानी मेकाल श्रेणी से निकलती है। तो अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मेकाल की। तो मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। और इसी मेकाल श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी? आपके सोन नदी। तो ये बात हो रही है किसके बारे में? ये बात होती है सोन नदी के बारे में। अब देखिए इसके अलावा मेकाल रेंज जो है, अमरकंटक इसकी हाईएस्ट पीक है, इस अमरकंटक से कौन सी नदियां निकलती हैं? हमने पढ़ा था तीन नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो निकलती है जोहिला, एक निकलती है सोन, और एक निकलती है नर्मदा। नर्मदा तो पश्चिम की तरफ चली गई, सोन कहां? पूरब की ओर। जोहिला भी कहां जाती है? पूरब की ओर, ठीक। पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहां से हमारे प्रश्न बन सकते हैं नदियों से, ठीक है, वो क्या क्या बन सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं सोन नदी की। सोन नदी की सहायक नदियों में महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? एक आती है महत्वपूर्ण, वो है जोहिला नदी। कौन सी नदी है? जोहिला। और जोहिला कहाँ बहती है? पूरब की ओर बहती है जोहिला नदी। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सोन की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी हो गई? जोहिला नदी। ये किसकी सहायक नदी है? ठीक है, आपके अनूपपुर से निकलती है
अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, इसकी सहायक नदी है जोहिला नदी। और जोहिला और सोन की विशेषता क्या थी हम जानते हैं, ये दोनों नदियां कहाँ जाती हैं, पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हैं, ये भी हमें मालूम है। इसके अलावा इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, तो सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर, ठीक, सॉरी 720 किलोमीटर, ये इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर। चलिए अब इसके अलावा देखिए और क्या क्या है, ठीक है, इसी सोन नदी पर एक परियोजना चलती है जिसको हम सब जानते हैं, उसका क्वेश्चन प्री में आ भी चुका है, बाण सागर परियोजना, ठीक है। अब ये बाण सागर जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, ठीक है, ये परियोजना है आपके सोन नदी पर, तो बाण सागर परियोजना, ठीक है, कहां पर है, सोन नदी पर है। कौन से जिले में आती है, ये आती है आपके शहडोल जिले में, कौन से जिले में है, शहडोल जिले में। कभी कभी जगह का नाम पूछ ले तो, ठीक है, देवलोंद नामक स्थान पर है, ठीक है, देवलोंद नामक स्थान पर शहडोल में है बाण सागर परियोजना। जो प्रश्न पूछा गया था पीएससी में वो क्या था, वो ये प्रश्न था कि बाण सागर परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है, तो याद रखिए तीन राज्यों की परियोजना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीन राज्यों की परियोजना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार, इन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। इसका मतलब सोन नदी कितने राज्यों से गुजरती है, इसका मतलब सोन नदी तीन राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से, एक तो उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से तो उसका उद्गम ही हो रहा है, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज बिहार, ठीक है, यहां से हमारे क्वेश्चन मालूम पड़े हमें, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीन जिलों से, तीन राज्यों से प्रवाहित हो रही है। बाण सागर डैम कौन से जिले में आता है, शहडोल जिले में आता है। कहां से निकलती है सोन नदी, अमरकंटक से निकलती है। जोहिला क्या है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके अलावा देखें समापन कहां होता है, ठीक है, नदियों का समापन कहां है, इसका समापन जो होता है बड़ी ही पवित्र नदी है, ठीक है, क्या नाम है, वो है गंगा, ठीक है, याद रखिए, तो गंगा में सोन रहकर समाहित हो जाती है, कौन सी नदी में, गंगा नदी में, तो गंगा नदी में सोन नदी का समापन हो जाता है। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या है इसमें, हाँ कोई प्रश्न है तो पूछिए। देखिए नदियों की लंबाई महत्वपूर्ण इतनी नहीं है, टॉप फाइव वाली याद कर लीजिए, सबसे लंबी कौन सी है, 13-12 कच्छ में आ गया नर्मदा में, दूसरे नंबर पे 965 चंबल पे, 720 ठीक है आपके सोन नदी पर, फिर ताप्ती आती है 724 सॉरी ये 780 है बेटा, ठीक है, ताप्ती के कारण एकदम याद आ गया, इसलिए ये 780 में आएगा, ठीक, फिर 720 आता है, 724 है कौन सी आपकी, ताप्ती नदी, और फिर आती है 590 बेतवा नदी। टॉप फाइव की जो रिवर होती है वो टॉप फाइव की रिवर आपको पढ़नी है, आपका काम हो जाता है, ऐसे हर रिवर को पढ़ेंगे फिर आप जोहिला की लंबाई भी पढ़ेंगे, तो वनडे एग्जाम में तो अच्छी बात है, लेकिन सिविल सर्विस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, जब इतना बड़ा टॉपिक पड़ा हुआ हो पढ़ने के लिए, ठीक है, कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बाण सागर परियोजना, इतना बड़ा सिलेबस हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछकर एक क्वेश्चन क्यों खराब करेगी पीएससी, आने को तो आएगा जो टॉप फाइव की नदियां मालूम है तो अंदाज लगा सकते हैं। अब देखिए बात हो रही है किसकी, कि समापन कहां होता है, ठीक है, किसका, ये 780, ठीक, बात हो रही है समापन कहां होता है, तो गंगा नदी में इसका समापन होता है, कौन सी नदी का, सोन नदी का। जगह का नाम पूछते हैं, और यहीं पे बसा है बिहार की राजधानी पटना, तो बिहार के पटना में सोन नदी जाकर मिल जाती है किसके साथ, ठीक है, गंगा नदी के साथ। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पटना कौन सी दो नदियों के संगम पर बसा है, तो पटना बसा है गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है, यहां से एक और जानकारी मालूम पड़ी, ठीक है, जो पटना शहर है जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, ठीक है, वो कहां पर है, वो सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर है, बिहार की राजधानी पटना में जाकर सोन नदी समाहित हो जाती है, तो इतनी जानकारी मालूम होना चाहिए सोन के बारे में। इसके अलावा देखें सोन नदी पर ही क्या है, सोन नदी पर ही सीधी सिंगरौली जिले के बॉर्डर पर बनाया गया है सोन घड़ियाल संरक्षण केंद्र, तो सोन घड़ियाल संरक्षण केंद्र ये कहां पर है, ये है आपके सोन नदी पर, ठीक है, तो एक और जानकारी मालूम पड़ी सोन घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहां पर है, जैसे केन नदी पर बना है, जैसे आपके चंबल नदी पर बना है मुरैना घड़ियाल संरक्षण केंद्र, केन पर बना है केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र, ऐसे ही सोन घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहां पर है, सोन नदी पर है। हाँ कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
ओके ठीक है। अब देखिए पीएससी के सिलेबस की अगर हम 21 का मेंस की बात करें तो 21 के मेंस में एमपी का यूनिट नंबर 3 है मेंस के टॉपिक में, ठीक है। तो आप पेपर देखेंगे जो पेपर सेकंड फर्स्ट है, फर्स्ट का पार्ट बी जो खंड बा है वो है ज्योग्राफी, ठीक है। इस ज्योग्राफी के पेपर में 5 यूनिट है, ठीक है। यूनिट नंबर जो 3 है, ठीक है, यूनिट नंबर 3 ये है आपकी एमपी की ज्योग्राफी। उस एमपी की ज्योग्राफी में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है मालवा का पठार और नर्मदा घाटी, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पूरा का पूरा फिजिकल डिवीजन। उसमें लिखा है मिट्टी के बारे में, ठीक है, वनस्पति के बारे में, ठीक है, भूगर्भिक संरचना के बारे में, उद्योगों के बारे में, वन के बारे में, ठीक है, ऊर्जा संसाधनों के बारे में, ठीक है। यही कारण है कि नदियों पर अलग से कोई फोकस नहीं किया गया उस एग्जाम उस पेपर में, अलग से कोई नदियों का वर्णन नहीं पूछा गया कि एमपी की नदियों का अलग से चर्चा कीजिए, लेकिन पढ़ के फिर भी जाना है क्योंकि ऊर्जा संसाधन की जब बात आती है तो हाइड्रो पावर की बात आएगी, याद रखिए, और जब हाइड्रो पावर की बात आएगी तो नदियों पर डैम बनाने की बात आएगी, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन मेंस के आंसर आइटम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो पूछेंगे नदी सोन की विशेषता बताइए, ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्ट पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो नदी जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इसको पढ़ सकते हैं, मेंस में लिखने को आ सकता है केन बेतवा लिंक परियोजना जो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, इसका बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये क्वेश्चन बन सकता है। केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, कैसे जो हमारा पन्ना नेशनल पार्क है इसकी बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से प्रभावित करेगी ये मालूम होना चाहिए। कैसे केन लिंक बेतवा परियोजना, ठीक है, पेयजल संकट का समाधान करेगी बुंदेलखंड के इलाकों में, ऐसे इस अप्रोच से आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आ सकता कि सोन नदी का वर्णन कीजिए, ऐसा तो पूछेंगे नहीं। तो रिवर वाले टॉपिक से उस टॉपिक को हटाइए जो मेंस के अप्रोच से प्रश्न बन सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ सकता है रिवर वाले टॉपिक से वो है केन बेतवा लिंक परियोजना या नदी जोड़ो परियोजनाओं का महत्व के क्वेश्चन आ सकते हैं, या नर्मदा की आर्थिक महत्व बताइए, या नर्मदा का आर्थिक महत्व क्या है, नर्मदा का सांस्कृतिक महत्व क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस के अप्रोच से। लेकिन आप नदियों की लंबाई पढ़कर, नदियों की ट्रिब्यूटरी पढ़कर 3 मार्क वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये प्रश्न आ गया कि नर्मदा की दाईं तरफ से मिलने वाली 3 नदियों के नाम बताइए, तो 3 मार्क क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है चंबल की सहायक नदी बताइए 3 जो दाईं तरफ से मिलती हैं बाईं तरफ से मिलती हैं, या चंबल पर निर्भर चंबल पर आधारित 3 ऊर्जा संयंत्र 3 बांधों के नाम या 3 जो जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बनते हैं कि सोन के बारे में बताइए कि सोन कहाँ से निकलती है, कहाँ जाएगी, कितनी नदियाँ, ऐसी व्याख्या प्री में काम आती हैं, मेंस में काम नहीं आती, ठीक है। चलिए तो मेंस के पढ़ते समय नदियों के सांस्कृतिक पहलू को, इनके आर्थिक पहलू को समझिए, ठीक है, ना कि डेटाबेस, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया हमारे बारे में सोन के बारे में। तो सोन नदी पे कौन सा डैम है, कितने राज्यों की परियोजना है, कौन सा संरक्षण केंद्र है, कहाँ जाकर मिलती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, लंबाई कितनी है, ये समान जानकारी मालूम होना चाहिए सोन नदी के बारे में, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो सोन हो गया हमारा, इसके अलावा केन हमने पढ़ा टोंस नदी के बारे में। अब महत्वपूर्ण नदी आती है वो है हमारी जो पश्चिम की ओर बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है, उस नदी का नाम है माही नदी, ठीक है। यह है हमारी माही नदी के बारे में कि माही नदी के बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है, माही नदी। अब देखिए माही नदी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बात हो रही है माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो माही नदी निकलती है धार जिले से। तो पहला क्वेश्चन दिन से बन गया, धार जिले से निकलती है। कितने राज्यों से प्रवाहित होती है माही नदी, 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, एक होती है मध्य प्रदेश, ठीक है, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है गुजरात। 3 राज्यों से ही नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन गया, माही नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, ठीक है। समापन कहाँ होता है, समापन इसका होता है गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है, याद रखिए गल्फ ऑफ खंबात में, यानी खंबात की खाड़ी में, गुजरात में खंबात की खाड़ी में ये नदी समाहित हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चंबल हुआ, टोंस हुआ, केन हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपका सोन हुआ, ये सभी क्या है, ये किसी न किसी नदी में जाकर समाहित अपनी यात्रा समाप्त करती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और आपकी माही, ये 3 अपना सफर पूरा करती हैं, महासागर में जाकर इनका, सागर में जाकर इनका मिलन होता है। बाकी एमपी की सभी नदियां कहां पर हैं, किसी न किसी नदी की सहायक नदी के रूप में समाप्त हो जाती हैं।
केवल तीन ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बह रही हैं, नर्मदा है, ताप्ती है और माही, ये अपना सफर पूरा करती हैं। तो धार जिले में उसका उद्गम होता है माही नदी का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से नदी प्रवाहित होती है, ये मालूम पड़ा हमें, खंबात की खाड़ी में जाकर ये समाहित हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखें और क्या जानते हैं धार आपके माही नदी के बारे में। माही नदी पर बनी हुई है परियोजना, इसे कहते हैं, ठीक है, बजाज सागर परियोजना। तो यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बजाज सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो बजाज सागर परियोजना है धार जिले में आती है, माही नदी पर स्थित है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा बन गया यहां से। इसके अलावा देखें माही के बारे में, माही जो नदी है, ठीक है, यहां से लाइन गुजरती है, हम जानते हैं उसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 north latitude। अब ये लाइन जो है गुजरती है, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को दो बार काटती है, याद रखिए, कौन सी नदी? माही नदी, ठीक है, दो बार काटती है, दो बार काटती है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये मालूम पड़ा हमें। तो बजाज सागर परियोजना धार जिले आपके माही नदी पर है, कर्क रेखा दो बार काटती है, खंबाती खाड़ी में इसका समापन होता है, धार जिले से इसका उद्गम होता है, इतनी जानकारी मालूम होना चाहिए इसके बारे में, माही नदी के बारे में। इसके अलावा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है, तीसरी सबसे लंबी नदी, लेकिन किस मामले में? पश्चिम की बात करें, तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी कौन सी है? अगर हम पश्चिम दिशा की बात कर रहे हैं, वेस्ट की बात कर रहे हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती है वो होती है नर्मदा, सेकंड पे आती है ताप्ती और तीसरे पे आती है, ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? माही, जो पश्चिम की ओर जा रही है। यहाँ टोटल लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं हम, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बातचीत चल रही है, क्लियर है? तो यहां से हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं माही नदी के संदर्भ में। कोई समस्या इसमें चाहे तो क्वेश्चन बन सकता है, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, हमें सारी नदियां पढ़नी है, अभी तक हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? चंबल के बारे में, बेतवा के बारे में, सोन के बारे में, केन्स के बारे में और, ठीक है, टोल्स के बारे में, सोन के बारे में और माही के बारे में। अब महत्वपूर्ण नदी हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो है हमारी सबसे पवित्र नदियों में से एक, सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है, उसका नाम है नर्मदा नदी। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है, नदी का नाम क्या है? नर्मदा। यहां से हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? सबसे ज्यादा प्रश्न, सबसे ज्यादा मेंस में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं नर्मदा नदी से, क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा है और एमपी की सबसे लंबी नदी है इसलिए भी, ठीक है, और आर्थिक रूप से और आपके ऊर्जा संसाधनों के उत्पन्न करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारी जल विद्युत उत्पादन में भी इसका अहम स्थान है। तो नर्मदा नदी के बारे में पहली जानकारी, पहला, ठीक है, नर्मदा नदी की जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है, पहला, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है, कुल लंबाई है इसकी 13-12 किलोमीटर, और 2011 PSC का क्वेश्चन था ये, 13-12 किलोमीटर, ठीक है, 2010 PSC में, MBPSC 2010 में ये क्वेश्चन आया था, उस समय इतने सरल क्वेश्चन आते थे, आजकल ऐसे नहीं आते लेकिन फिर भी आ सकते हैं। 13-12 इसकी कुल लंबाई है और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 10-77 किलोमीटर। तो MP में लेंथ कितनी है इसकी? 10-77, लेकिन MP पूरे भारत में कितनी लेंथ है इसकी, याद रखिए, ओवरऑल लेंथ कितनी है इसकी? 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, जो 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? यह है मध्य प्रदेश, ठीक है, यह है आपका राजस्थान, सॉरी, ठीक है, महाराष्ट्र, और तीसरा आता है गुजरात। 3 राज्यों से ये नदी गुजरती है, तीसरा है गुजरात। तो मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से नदी गुजरती है 3 राज्यों से। इसका उद्गम कहां से होता है? ठीक है, इसका जो उद्गम है हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, अमरकंटक इलाके से होता है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, मेकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कहां से निकलती है ये? मेकाल से निकलती है, मेकाल रेंज से निकलती है। कौन सी नदी? आपकी नर्मदा नदी। यही कारण है इसे क्या कहते हैं? इसे मेकाल सुत भी कहते हैं, मेकाल की बेटी, या मेकाल सुत भी कहते हैं किसे?
इसके अलावा इसको कहते हैं रीवा, ठीक है, इसको रीवा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को कहां से निकलती है, मेकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है। जिले का नाम पूछे तो जिला कौन सा लगेगा, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट लगती है, अनूपपुर जिले से निकलती है। कहां पर समापन होता है, ठीक है, हम समापन की बात करें, समापन कहां पर होगा, गुजरात में होगा। कहां पर होगा, खंबात की खाड़ी में होता है। तो यहां से एक और मालूम पड़ी, खंबात की खाड़ी में इसका समापन होता है, ठीक है, खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात में इसका समापन हो जाता है, ठीक। यह है समान जानकारी किसके बारे में, अभी हमने देखा उद्गम के बारे में और नर्मदा के समान जानकारी के बारे में कि उद्गम कहां से हो रहा है, लंबाई कितनी है, एमपी में लंबाई कितनी है, कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, नाम क्या है इसके, कहां से उद्गम है और कहां पर इसका समापन है। अब देखिए इसके बारे में और क्या क्या जानते हैं। जब नर्मदा नदी गुजरती है, ठीक है, तो किसी न किसी जिले से पास होती होगी। तो पहला जिला तो देख लिया हमने कौन सा है, अनूपपुर। इसके अलावा और कहां से निकलेगी, और निकलती है ये मंडला से निकलेगी, ठीक है, मंडला से भी गुजरती है। इसके अलावा डिंडोरी से भी गुजरती है। कुछ जिले मालूम होना चाहिए कौन कौन से जिलों से पास होती है। एक आता है जबलपुर, जबलपुर से भी पास होती है, ठीक है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। एक आता है नरसिंहपुर से भी पास होती है, ठीक है, नरसिंहपुर। एक आता है आपका रायसेन से भी पास होती है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से भी गुजरती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जिला आता है रायसेन के अलावा होशंगाबाद, होशंगाबाद में तुम जानते ही हम सेठानी घाट बना है, ठीक है, होशंगाबाद से भी पास होती है, नर्मदापुरम कहते हैं नया नाम। उसके अलावा हरदा से पास होती है, ठीक है, सीहोर से पास होती है, सीहोर से भी गुजरती है नर्मदा नदी। इसके अलावा देखें हरदा से भी गुजरती है, हरदा तो लिख लिया हमने, सीहोर से गुजरती है, खंडवा से गुजरती है, ठीक है, खंडवा के लागा खरगोन से गुजरती है, खरगोन ने बनाया महेश्वर बांध बना हुआ है, खरगोन से गुजरती है, बड़वानी से गुजरती है, ठीक है, बड़वानी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, बड़वानी से भी पास होती है नदी, ठीक है, ठीक है, बड़वानी से भी पास होती है। इसके अलावा अलीराजपुर से गुजरती है, अलीराजपुर से गुजरती है, ठीक। इसके अलावा एक और बीच में सीहोर लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जिले हैं जहां से ये नदी पास होती है। कौन कौन से हैं, अनूपपुर है, मंडला है, डिंडोरी है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, रायसेन है, होशंगाबाद है, हरदा है, सीहोर है, खंडवा है, बड़वानी है। इसके अलावा देवास है, ठीक है, देवास से भी पास होती है नदी, तो देवास है, ठीक है। इन इलाकों से गुजरती हुई ये कहाँ जाती है, गुजरात के खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो आपको जो बीच में जिले पड़ते हैं इन जिलों के बारे में भी मालूम होना चाहिए कम से कम, ठीक है, कि भाई कौन कौन से जिले शामिल हो रहे हैं, जैसे अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन, खंडवा, सीहोर, हरदा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, ये महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से नर्मदा गुजरती है। अगर आपको जिले याद होंगे तो नर्मदा में बने हुए डैम भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे अगर हम डैम की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके डैम कौन कौन से बने हैं, इस पर देखिए, खंडवा में हम बात जानते हैं, खंडवा में कौन सा डैम बना है नर्मदा नदी पर, ठीक है, इसे हम कहते हैं ओंकारेश्वर बांध, ठीक है, ओंकारेश्वर बांध बना है, ओंकारेश्वर परियोजना चलती है। इसके अलावा इंदिरा सागर है, खंडवा में इंदिरा सागर बना हुआ है, ठीक है, हम बात हम करें, ठीक है, इसके अलावा खरगोन, खरगोन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा डैम बना है, महेश्वर बांध बना हुआ है, महेश्वर परियोजना चलती है, महेश्वर परियोजना, ठीक है, ये परियोजना कहाँ पर चल रही है, नर्मदा नदी पर चल रही है। तो केवल आप जिलों को अगर याद रखें, जिलों के साथ साथ भी अगर पढ़ना शुरू करें तो याद रखना आसान हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात हम करें तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, नर्मदा के उद्गम स्थल से लेके क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से जिलों से ये नदी गुजर रही है, कोई दिक्कत इसमें। अगर हम बात करें इसमें सहायक नदियों की बात, ठीक है, कि कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें आके शामिल होती हैं, ठीक, हम जानते हैं एक आती है, ठीक है, थाप के शक्कर नदी आती है, ठीक है, एक आती है आपकी तवा नदी, तवा सबसे लंबी सहायक नदी है, तवा के अलावा एक आती है आपकी, ठीक है, सुक्ता नदी, सुक्ता के अलावा एक आती है आपकी हथनी नदी, ठीक है, हथनी आती है। इसके अलावा बारना नदी, ठीक है, बारना नहर बनी है इस पे, एक आती है आपकी बरगी नदी, ठीक है, एक आती है आपकी चोरल नदी, ठीक है, एक आती है सीहोर से आ रही है कोलार नदी। ये सभी क्या है, ये सभी सहायक नदियां हैं किसकी, ये सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं। हाँ पूछिए।
हाँ दुधनी नदी भी आती है, सही बात है। तो कुल मिला के 41 सहायक नदियां हैं इसकी, ठीक है, कम तो नहीं है, 41 सहायक नदियां हैं किसकी, केवल आपके नर्मदा की। तो नर्मदा के बारे में फिर से शुरुआत करते हैं, पहले देखिए अब उद्गम कहाँ से हो रहा है, अनूपपुर के अमरकंटक से उसका उद्गम हो रहा है, ठीक है। समापन कहाँ हो रहा है, खंबाती खाड़ी में इसका समापन हो रहा है। लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, 10-77 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितने राज्यों से गुजरती है, 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से गुजरती है। कितने कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो अनूपपुर है, मंडला है, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो जिले हैं यहाँ से नदी पास होती है, यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा कौन कौन सहायक नदियाँ हैं, शक्कर, तवा, कुलार, सुक्ता, चोरल, हथनी, ठीक है, बरना, बरगी, ये महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं किसकी, आपके नर्मदा की। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है नर्मदा को लेकर, मध्य की जो राजकीय मछली है महाशीर मछली, वो कहाँ पाई जाती है, वो मिलती है हमें रखिए नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर मध्य की जो राजकीय मछली है का नाम क्या है, महाशीर मछली। तो महाशीर मछली हमें कहाँ मिलती है, महाशीर मछली का संरक्षण किया जाता है नर्मदा नदी पर, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है हमारा, मध्य की राजकीय मछली कौन सी जहाँ मिलती है, हमें नर्मदा नदी पर मिलती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है महाशीर मछली। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे मालूम पड़ रहा है सहायक नदियों के बारे में, इसके जिलों के बारे में, कौन कौन से स्थल से गुजरती है, लंबाई कितनी है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं और कौन कौन सी परियोजनाएं इस पर चल रही हैं। बड़ा फेमस डैम बनता है इंदिरा सागर डैम, सबसे बड़ा डैमों में से एक है हमारे, ठीक है, इंदिरा सागर बांध है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन सा डैम बनता है, गुजरात में आता है इसमें, ठीक है, उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर आता है, ये आता है आपके सरदार सरोवर बांध आता है, ठीक है, यह है नर्मदा नदी पर, गुजरात में आता है, एमपी में नहीं है, गुजरात में आता है। क्लियर है तक। हाँ इसके अलावा एक जिला और आता है, वो है धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, धार वो लिखा नहीं हमने, धार जिला। कुल मिला के 15 जिलों से गुजरती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली सबसे लंबी नदी है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, नर्मदा के किनारे या नर्मदा के दोनों तरफ कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा के जो किनारे हैं, तो अगर हम एक पर्वत श्रेणी ऐसे माने, ठीक है, और एक पर्वत श्रेणी दक्षिण की तरफ है, ठीक है, जो उत्तर वाली पर्वत श्रेणी है इसके इसे कहते हैं हम विंध्याचल, ठीक है, क्या नाम है इसका, विंध्याचल पर्वत, और एक दक्षिण में है इसे हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। जो नर्मदा है, नर्मदा कहाँ फ्लो करती है, नर्मदा फ्लो करती है इन दोनों के बीच में, यानी मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है और समापन होता है, तो नर्मदा नदी कौन सी दो माउंटेन रेंज के बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा में। कभी कभी कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, या स्टेटमेंट आते हैं, कई सारे स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे नंबर एक, पहला, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के उत्तर में, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 20 जिलों से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यही कारण है कि ऐसे क्वेश्चन बनाने समय, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देते समय, ठीक है, कन्फ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि हम केवल लंबाई पढ़ लेते हैं, हम डैम पढ़ लेते हैं, हम जिले पढ़ लेते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि पश्चिम में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो पश्चिम में प्रवाहित होती है वो नर्मदा है, याद रखिए, ठीक, पहला क्वेश्चन इनसे बन गया। दूसरा क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है, तो अमरकंटक से कितनी नदियों का उद्गम होता है, 3 नदियों का उद्गम होता है, कौन कौन सी 3 नदियां हैं, एक महत्वपूर्ण नदी है आपकी, ठीक है, नर्मदा, एक है जोहिला और तीसरी है सोन, ठीक है। अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है नर्मदा। तो अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ कोई क्वेश्चन है पूछिए, चलिए अच्छी बात है, ठीक। हम बात कर रहे हैं तवा की, तवा जो है वो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और तवा पर ही सबसे बड़ा, सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तवा नदी कहाँ से निकलती है, तवा निकलती है महादेव श्रेणी से आ रही है, कहाँ से आ रही है, पचमढ़ी के महादेव श्रेणी से निकलती है तवा नदी,
क्लियर यहां तक? याद रखिए, तो तवा नदी कहां से निकल रही है वो मालूम होना चाहिए। इसके अलावा तवा नदी का जो समापन है वो कहां पे हो रहा है, ठीक है, होशंगाबाद क्षेत्र में आता है, होशंगाबाद जिले में होता है समापन, ठीक है, किसका, तवा नदी का। और सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, नर्मदा नदी की, तवा नदी, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण है तवा परियोजना भी चलती है, इटारसी में है, याद रखिएगा होशंगाबाद के इटारसी में आती है तवा परियोजना। यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है परियोजनाओं को लेकर, सॉरी जलप्रपातों को लेकर, कौन कौन से जलप्रपात हैं, ठीक है, कौन सी नदी पर। हम जानते हैं कि एक आता है जलप्रपात हमारा कपिलधारा, ठीक है, एक आता है दुग्धधारा, पंचधारा, ठीक है, ये तीनों जलप्रपात कहाँ पर हैं, ये तीनों जलप्रपात हैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। कौन कौन से, पंचधारा है, कपिलधारा है, दुग्धधारा है, ये तीनों जलप्रपात आते हैं आपके अमरकंटक में, अमरपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, अमरकंटक क्षेत्र में। एक महत्वपूर्ण जलप्रपात आता है जबलपुर में, उसका नाम है भेड़ा घाट, ठीक है। भेड़ा घाट के पास क्या मिलता है हमें, संगमरमर खूब मिलता है, इसलिए मध्य प्रदेश में मार्बल सिटी, संगमरमर की नगरी किसे कहते हैं, भेड़ा घाट को कहते हैं। जबलपुर का भेड़ा घाट में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, उसका नाम है, ठीक है, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। फिर आता है कहां पर, खंडवा में, खंडवा में कौन सा जलप्रपात आता है, खंडवा में आता है मंदाता जलप्रपात नाम से आता है, याद रखिए। फिर आता है खरगोन में, खरगोन में महत्वपूर्ण जलप्रपात है, ठीक है, याद रखिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहते हैं, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये वो टॉपिक है, यहाँ से वो महत्वपूर्ण डाटाबेस प्रश्न बन सकते हैं जलप्रपातों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बनता है, प्रश्न बनता है कि कौन से जिले में, ठीक है, नर्मदा नदी दो भागों में, दो ब्रांचों में, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो याद रखिए, नर्मदा नदी खंडवा में एक पहाड़ी है, उसे कहते हैं मंदाता की पहाड़ी, इस पहाड़ी पर बसा है ओंकारेश्वर, ठीक है। तो मंदाता की पहाड़ी पर नर्मदा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, इसकी एक शाखा कहलाती है नर्मदा और दूसरी शाखा कहलाती है कावेरी, आगे जाकर यही शाखाएं फिर से मिल जाती हैं और फिर नर्मदा वापस अपना रूप धारण कर लेती हैं। तो यहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जिले में और कौन सी पहाड़ी से नर्मदा नदी दो भागों में, दो शाखाओं में, दो ब्रांचों में बढ़ जाती है। तो आंसर क्या आएगा, खंडवा जिला है, क्षेत्र ओंकारेश्वर का और पहाड़ी का नाम है मंदाता, क्लियर है। तो दूसरी जो शाखा है उसका नाम भी पूछा जाता है, दूसरी शाखा है कावेरी, एक कावेरी तो दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है लेकिन एक कावेरी मध्य प्रदेश में भी प्रवाहित होती है, जहां पर नर्मदा की दो शाखाओं में बढ़ जाती है, क्लियर है यहां तक। चलिए, तो ये है किसके बारे में, ये है नर्मदा नदी के बारे में, जितनी इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए नर्मदा के बारे में। तो देखिए, रिवाइज करते हैं, पहले कल जो हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण नदी वो कौन सी थी, वो थी चंबल और बेतवा। आज हमने पढ़ा सबसे पहले टोंस नदी के बारे में, यानी तमसा नदी के बारे में, कि तमसा नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ समापन होता है, कौन कौन से जलप्रपात है तमसा नदी यानी टोंस नदी पर, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने देखा, ठीक, सोन नदी के बारे में, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बाणसागर परियोजना से 2016 में 15 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है सोन नदी का। बाणसागर परियोजना क्या है, सोन घड़ियाल संरक्षण केंद्र क्या है, पटना बिहार की बात हो रही है, कौन सी दिशा में जाती है, कितने राज्यों से गुजरती है, ये समान जानकारी की बात हो रही है। तीसरी महत्वपूर्ण हमने देखा माही नदी, ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, खंबाती खाड़ी में जाती है, बजाज सागर परियोजना चल रही है, इसके ऊपर कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने देखा चौथा महत्वपूर्ण पढ़ा हमने किसके बारे में, वो है आपका नर्मदा नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन से आपके राज्यों से, जिलों से गुजरती है, 15 जिलों से गुजरती है, रखिएगा 41 सहायक नदियां हैं इसकी लगभग, ठीक है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, दक्षिण में इसके सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, ठीक है, तीन राज्यों से गुजरती है, 13-12 किलोमीटर है, 10-77 किलोमीटर से प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके अलावा मेकालसुत और रेवा इसका अन्य नाम है। इसके अलावा महाशय मछली का संरक्षण भी नर्मदा नदी पर होता है। इसके अलावा जलप्रपात हमने देखे, डायग्राम पे नहीं बनाया हमने, जलप्रपात वाला टॉपिक हम अलग से पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि जलप्रपात बहुत सारे हैं और एमपी की सारी नदियों के जलप्रपातों को एक कॉमन मैप पे लेके आएंगे हम अगली क्लास में, याद रखिए। तो जलप्रपातों का अलग टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए इसको हमने टॉपिक को इस पे ड्रॉ नहीं किया है। हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछिए। ओके, टोन्स को रिपीट कर दें, एक मिनट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या है इसमें, याद रखिए। चलिए, तो प्रश्न आया है, ठीक है, कि सर टोन्स को रिपीट कर दीजिए, ठीक, देखिए, ठीक है, टोंस को हम कहते हैं तमसा नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तमसा, ठीक है, देखिए, और टोंस में ही जो कई सारी सहायक नदियां हैं, टोंस निकलती है सतना जिले से, जा रही है यमुना नदी में, कई सारे जल पर आपके सहायक नदियां हैं, बीहड़ है, बिछिया है, महान है, सेलर है, बेलन है, ये इसकी सहायक नदियां हैं,
ठीक है। टोंस नदी निकलती, बीहड़ नदी में एक और महत्वपूर्ण नदी आके मिलती है, बिछे नदी। बिछे नदी टोंस में जाकर नहीं मिलती बल्कि कहाँ मिलती है, बीहड़ नदी में। और बीहड़ नदी पे क्या बना है, चचाई जलप्रपात बना है। चचाई जलप्रपात एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है एमपी का। बिछिया, बिछे नदी किनारे क्या बसा हुआ है, रीवा शहर बसा हुआ है। एक नदी भी निकलती है महान, याद रखिए महान कहाँ से आ रही है हम जानते हैं, याद रखिए महान आते पहुंचती है कहाँ पर, इस पर बना हुआ है केवटी जलप्रपात। फिर आता है सेला, सेला नदी पर बना है बहुडी जलप्रपात, जो एमपी का सबसे बड़ा जलप्रपातों में से एक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है अपने आप में, ठीक है। उसमें सहायक नदी मिलती है आके बेला नदी, और बेला नदी कहाँ से आ रही है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से आ रही है। फिर हमने देखा तमसा नदी का समापन कहाँ हो रहा है, यमुना नदी में इसका समापन होता है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई समस्या जानकारी हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए कल की क्लास में आगे शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल हम पढ़ेंगे हमारी जो बाकी बची हुई नदियां हैं, जैसे आपकी बस्ती है ताप्ती, बैनगंगा के बारे में और केन नदी के बारे में। ये छोटे सभी नदियां हैं, तीन नदियां जल्दी खत्म हो जाएंगी। फिर हम कल टॉपिक में महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे, वो होगा हमारा जलप्रपातों के बारे में, कि कौन कौन से जलप्रपात हैं हमारे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।